friends, I'm Dr. Harleen, and today I'll be telling you about dowser, pendulum. तो आप सब pendulum use करते हैं, आपने देखा भी है, dowser भी देखा है, और बहुत सारे मेरे videos हैं pendulum dowsing के ऊपर. L rods हैं, आपके पास spiral dowsers हैं, या फिर आपके पास pendulum है, chain वाला pendulum है. This is a 7-chakra pendulum, कोई भी pendulum आपके पास हो, उसको कैसे आपको एक्टिवेट करना है, क्या क्या इसके साथ आप कर सकते हैं, उसकी बात करेंगे. आप में से जिनके पास भी डाउजर है, सबसे पहले इसको क्लीन एंड चार्ज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. अगर आपने इसको क्लीनिंग एंड चार्जिंग नहीं किया तो इसके ऊपर नेगेटिविटी भी आ जाती है, और हो सकता है जैसे ये वर्क करना चाहिए, मूव करना चाहिए, वो वैसे नहीं करता है. बिकॉज़ पॉजिटिव एनर्जीज़ का आपके क्रिस्टल्स के आसपास होना बहुत ज़रूरी है. अगर नेगेटिविटी रहेगी तो क्रिस्टल्स नेगेटिविटी भी कैच कर लेंगे और वो सही से आंसर नहीं दे पाएंगे. तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि आप डाउजर्स को पहले क्लीन करें, चार्ज करें, जैसे भी आप रेकी चार्जिंग से करते हैं या किसी सिंबल से करते हैं. अगर आपके पास, अगर आपको और कुछ नहीं आता है तो आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, इसके ऊपर अगरबत्ती से आप इसको चार्ज कर सकते हैं. उसके बाद पेंडुलम को आपको किसी भी क्लोज्ड बॉक्स में रखना है, किसी भी एक बॉक्स में जिसमें एनर्जीज इंटैक्ट रहे. आपको एक बॉक्स में, या फिर आप कोई भी छोटा सा वेलवेट का पाउच ले सकते हैं, उसमें रख सकते हैं. ओके, एंड जो डाउजर है आप किसी और को नहीं टच करने देंगे, आप ही यूज़ करेंगे. ऐसा नहीं है कि आपने क्लाइंट को दे दिया या आप मूव करो, आपको ही यूज़ करना है. अगर आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ करते हो, क्लाइंट्स के लिए यूज़ करते हो, उसको अलग रख दीजिए. ये डाउजर जो आपका होगा वो आप ही का होगा, बिकॉज वो आपके ऑर्डर्स फॉलो करेगा. आपके ब्रेन से, आपके सबकॉन्शियस माइंड से आपके डाउजर का कनेक्शन होगा. तो आपने अपना डाउजर किसी को भी नहीं देना है, टच भी नहीं करने देना. ओके, तो अभी मैं आपको बताती हूँ डाउजर जो है वो कैसे मूव करता है. सपोज़ आपके पास ये प्लेटफॉर्म है, आपने डाउजर को होल्ड किया और इसको आपने कमांड देना है. तो आप देखिए कैसे आपकी कमांड फॉलो करता है. मैं उनकी बात कर रही हूँ जो ऑलरेडी डाउजिंग करते हैं, जो ऑलरेडी हीलर्स हैं, बिगनर्स के लिए नहीं है. अगर आप डाउजिंग करते हैं तो आपकी कमांड पे वो मूव नहीं हो रहा है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि पहले डाउजर तो मेरी बात मानता था या आपके साथ उसकी अट्यून्ड थी एनर्जीज टैली थी, अभी नहीं है. उनके लिए है, आपने डाउजर को पॉइंट पे जो भी आपने जैसे सीखा है उसको रखा, एंड फिर आप कमांड दीजिए डाउजर को और देखिए क्या वो मूव करता है, क्या वो वैसे ही रोटेट कर रहा है. बहुत इम्पॉर्टेंट है डाउजर के साथ प्रॉपर अट्यूनमेंट होना, प्रॉपर अगर डाउजर कैसे मूव करता है, कैसे रोटेट करता है, कैसे आपको आंसर्स देता है. बिकॉज डाउजर आपको एग्जैक्ट आंसर दे सकता है, अगर कोई चीज़ कहीं खो गई है तो वो कहाँ पर है, या फिर किस पर्सन ने ली है, किसी की एनर्जीज कैसी हैं, चक्रास कैसे हैं, ऑरा कैसा है. वास्तु आप इससे कर सकते हो, लाइक बड़ी बिल्डिंग्स के लिए वी हैव बिग डाउजर्स, बिग रॉड्स, सेम है डाउजिंग, वो सब डाउजर्स ही हैं. इससे भी आप चेक कर सकते हो कॉर्नर पे एनर्जी कैसी है किसी के घर पे, एक चीज़ की एनर्जी कैसी है. अगर आप क्रिस्टल के ऊपर इस डाउजर को रखेंगे और एक नेगेटिव चीज़ के ऊपर डाउजर को मूव करेंगे तो वो कैसा मूव करेगा. अभी क्रिस्टल के ऊपर कर रहा है तो ये कितना फास्ट मूव कर रहा है, अपने आप कर रहा है, मेरा हाथ बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है और ये मूव कर रहा है. तो ऐसे अगर हम किसी नेगेटिव चीज़ के ऊपर करेंगे, जैसे अगर आप कोम के ऊपर करते हो, बिकॉज उस पर बहुत सारी नेगेटिविटी होती है, कोई भी ऐसी चीज़ जो नेगेटिव है तो आप उसके ऊपर करते हो, तो ये डाउजर एंटी क्लॉकवाइज मूव करता है. तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज मूव करके डाउजर को अपने साथ में अट्यून कीजिए. डाउजर को जितना हो सके अपने पास रखिए, अपने बैग में, अपने पर्स में, एक पाउच में डाल के, और इसके साथ आप अपनी पिलो के नीचे रख के सो भी सकते हैं कुछ दिन, ताकि आपकी एनर्जी के साथ अट्यून हो जाए, आपके साथ ये मिक्स हो जाए जो हम बोलते हैं ना, उसको अपने पास रखिए. तो फिर डाउजर को यूज़ कीजिए, देखिए आपको बहुत करेक्ट आंसर्स देगा.